नमस्कार मेरे सभी व्यूअर्स को, मैं अर्जुन अभ्यास मंत्र योगा में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने हठ योग प्रदीपिका के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने आसन के चैप्टर के साथ स्टार्ट कर दिया था एंड हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग टोटल 15 आसनास हैं। इन 15 में से हम 11 आसन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। बाकी के जो 4 आसन हैं, दे आर द मेडिटेटिव आसना अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। इस वीडियो में हम 2 मेडिटेटिव आसना कंप्लीट करेंगे, दैट इज सिद्धासन एंड पद्मासन। चलिए बढ़ते हैं आसन की तरफ। श्लोक नंबर 34 है, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम वेति चतुष्टयम् श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठे सिद्धासने सदा। अब ये श्लोक में 4 आसन का जिक्र है, दैट इज सिद्धम पद्मम सिंहम एंड भद्रम, 4 मेन आसनास। टोटल हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनास हैं, बट इन 15 में से भी 4 आसनों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है, दैट इज सिद्धम सिद्धासन। सिद्धासन को हम कहते हैं पोज ऑफ परफेक्शन या फिर एडेप्ट पोज। फिर है पद्मम, पद्म का मतलब होता है लोटस। पद्मासना, जिसको हम कमलासन भी कहते हैं, और द लोटस पोज। फिर है सिंघम, सिंह का मतलब होता है लायन। सिंहासना और द लायन पोज। फिर है भद्रम, दैट इज भद्रासना, इसे हम कहते हैं ग्रेशियस पोज। तो 15 में से इन 4 आसन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब इन 4 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज द सिद्धासन। सो 15 में से 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, उन 4 में से सिद्धासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिद्धासन इज बेस्ट अमंग द ऑल, बट ये जो सिद्धासन है, इट इज मेंट ओनली फॉर द मेंस, ओनली फॉर द मेल्स। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा आसन है जो फीमेल्स नहीं कर सकती, दैट इज द सिद्धासन। तो फीमेल्स के लिए जैसे सिद्धासन है मेल्स के लिए, वैसे ही फीमेल्स के लिए है सिद्ध योनि आसन। तो सिद्धासन फॉर मेन एंड सिद्ध योनि आसन फॉर वुमेन। चलिए बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स की तरफ। तो 12वां आसन है हमारा सिद्धासन, दैट इज द एडेप्ट पोज। देखते हैं कि आसन करते कैसे हैं। हील ऑफ द वन फुट प्रेसिंग द परीनियम, अदर फुट ऑन द टॉप ऑफ द जेनाइटल। पहली हील को आपको रखना है परीनियम की तरफ और दूसरे फुट को रखना है जेनाइटल की तरफ। अब ये परीनियम है क्या? परीनियम इज द एरिया बिटवीन द एनस एंड द जेनाइटल। जो एनल एरिया है और जो जेनाइटल्स है उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं परीनियम। तो यहां पहले फुट को आपको परीनियम की तरफ रखना है, दूसरे फुट को जेनाइटल्स की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा फुट, उसके हील को मैंने रखा है जेनाइटल्स की तरफ। देन इज चिन रेस्टिंग ऑन द चेस्ट एंड गेज स्टेडिली इन बिटवीन द आईब्रो। तो चिन को चेस्ट पे रखना है और आईब्रो को देन आंखों को आईब्रो के सेंटर पे रखना है। तो दिस इज योर सिद्धासना। अब ये परीनियम जो है, यहां बुक में तो जैसे दे रखा है कि इट इज अ स्पेस बिटवीन एनस एंड जेनाइटल्स। हमारे बॉडी में काफी सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। अब हर एक जो सिस्टम है उनकी एक अपनी कवरिंग होती है। जैसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसकी कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं प्लूरा। सिमिलरली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी कवरिंग को हम कहते हैं परीनियम। ओके, तो ये तो अभी हमने देखा कि सिद्धासन कैसे करते हैं, और सिद्धासन इट इज ओनली फॉर मेल्स। बट अब हम ये देखते हैं कि सिद्ध योनि आसन जो फीमेल्स के लिए है उसको कैसे करते हैं। सारे स्टेप सिद्धासन की तरह हैं, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, लोअर हील प्रेसिंग द वजाइना ओपनिंग एंड अपर हील रेस्ट अगेंस्ट द क्लिटोरिस। तो लोअर हील को वजाइना की ओपनिंग की तरफ रखना है, ऊपर वाले दूसरे फुट की हील को आप क्लिटोरिस के पास रखना है। बोथ द टोज इंसर्टेड बिटवीन काफ मसल एंड थाइस।
तो काफ मसल और थाई के बीच में जो स्पेस है वहां पे टोस को रखना है। तो इस तरीके से करना है सिद्धासन और सिद्ध योनि आसन। बढ़ते हैं सिद्धासन के बेनिफिट्स की तरफ। बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है इट स्टिमुलेट आज्ञा चक्र, स्टेबलाइजेस मूलाधार एंड स्वादिष्टांग चक्र। तो हम जान पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमारे बॉडी में कितना कितने चक्रास हैं। तो टोटल 7 चक्रास हैं, उन 7 में से सिद्धासन आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करता है एंड मूलाधार और स्वादिष्टांग चक्र को स्टेबलाइज करता है। सिद्धासन नर्वस डिप्रेशन को प्रिवेंट करने में काफी हेल्पफुल है। साथ ही साथ जो मेल सेक्सुअल हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, उसके प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल है सिद्धासन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज अ सेक्सुअल हार्मोन और मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को सामने लाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल है सिद्धासन। बॉडी के इनर टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल है सिद्धासन। सिद्धासन बैलेंसेस ऑल्टरनेट फ्लो ऑफ ईड़ा एंड पिंगला एंड एक्टिवेट सुषुम्ना नाड़ी। तो ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उनका ऑल्टरनेट फ्लो है उसको बैलेंस करता है। उनके बैलेंस होने से ही हमारा जो मिडल पाथवे है सुषुम्ना चैनल है वो ओपन होता है। तो सिद्धासन ऑल्टरनेट बैलेंसेस ऑल्टरनेट फ्लो ऑफ ईड़ा एंड पिंगला एंड एक्टिवेट सुषुम्ना नाड़ी। प्योरीफाई 72,000 नाड़ी। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका देयर आर 72,000 नाड़ी इन द बॉडी। तो सिद्धासन इकलौता ऐसा आसन है जो 72,000 नाड़ियों को प्योरीफाई करता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं सिद्धासन के। चलिए अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंट नेम ऑफ सिद्धासन। श्लोका नंबर 37। एत सिद्धासनम प्राहुर अन्ने वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदम त्येके प्राहुर्गुप्तासनम परे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि सिद्धासन को हम और कितने डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। तो ये जो बाकी के डिफरेंट आसनास हैं सिद्धासन के जो वेरिएशन है उसमें थोड़ा लेग की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा वेरिएशन है। तो चार नाम यहाँ बताए गए हैं, एक तो है सिद्धासन, दूसरा है वज्रासन, मुक्तासन एंड गुप्तासन। अदर नेम ऑफ सिद्धासन आर सिद्धासन जिसको हम एडेप्ट पोज कहते हैं या पोज ऑफ परफेक्शन कहते हैं, वज्रासन जिसे हम थंडर बोल्ट पोज कहते हैं इंग्लिश में, मुक्तासन को हम कहते हैं पोज ऑफ लिबरेशन, गुप्तासन, गुप्त का मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य, तो गुप्तासन को हम कहते हैं सीक्रेट पोज। तो दीज आर द फोर डिफरेंट नेम ऑफ सिद्धासन। ओके, अगला जो श्लोका है इट इज श्लोका नंबर 38। यम एष विव मिताहारम अहिंसाम नियमेश विव मुख्यम सर्वासनेश वेकम सिद्धः सिद्धासनम विदुः। तो ये श्लोक ये बताता है कि सभी आसन में सिद्धासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है मिताहार, नियम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अहिंसा, उसी तरीके से आसन में सबसे इंपॉर्टेंट है सिद्धासन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका स्वात्मराम किसको यम के अंदर किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, नियम के अंदर किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। एंड इवन ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में एक बार आ भी चुका है कि अकॉर्डिंग टू स्वात्मरामा विच इज द बेस्ट यमा। तो 10 यम हम कर चुके हैं, 10 नियम का जो कंसेप्ट है वो भी हम कर चुके हैं। तो यम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नियम है मिताहार, नियम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नियम है अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस, आसनों में सबसे इंपॉर्टेंट है सिद्धासन। ये हम पढ़ी चुके हैं कि जो सिद्धासन है वो 72,000 नाड़ियों को प्योरीफाई करता है, उसका श्लोक बस पढ़ लेते हैं। श्लोक नंबर 39 है। चतुर्शीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत् द्वासप्तति सहस्त्राणां नाड़ी नाम मल्लशोधनम्। मल का मतलब होता है इंप्योरिटी,
एंड नाड़ी में से 72,000 नाड़ियों में से जो मल है, जो इम्प्योरिटी है, उसको क्लीन करता है सिद्धासन. सो इट प्योरिफाई 72,000 नाड़ीज. चलिए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है सिद्धासन में. योगी मेडिटेटिंग ऑन सेल्फ हु टेक्स मॉडरेट एंड प्योर डाइट एंड प्रैक्टिस सिद्धासना फॉर 12 इयर्स अटेन्स सिद्धि. तो एक योगी जो अपनी आत्मा पे मेडिटेट करता है, जो मॉडरेट या प्योर सात्विक आहार लेता है, मिताहार फॉलो करता है, एंड वो पर्सन जो सिद्धासन, योगी सिद्धासन फॉलो करता है 12 साल तक, ही अटेन सिद्धि. तो सिद्धि उसको प्राप्त होती है जो 12 साल तक चेष्टा कर रहा है, अपने आत्मा पे मेडिटेट करता है, प्योर डाइट लेता है और सिद्धासन फॉलो करता है. इसके अलावा सिद्धासन का एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सिद्धासन, क्योंकि इसको करने से जो 3 बंधास हैं वो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं. हमारे योगा में 3 बंधास को इंपॉर्टेंस दी गई है. सबसे नीचे से स्टार्ट करें, दैट इज द मूल बंधा. बंध का मतलब होता है नॉट या फिर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना. मूल बंधा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ परिनियम, जो आपका जेनाइटल ऑर्गन से जो नीचे का पार्ट है, जो एनल एरिया है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज द मूल बंधा. उससे ऊपर की तरफ आए, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज द उद्यान बंधा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर एब्डोमिन. फिर आता है जालंधर बंध, जिसे हम कहते हैं चिन लॉक, मतलब जो आपका चिन है वहां पे लॉक लगाना, दिस इज कॉल्ड एज द जालंधर बंध. तो 3 इंपॉर्टेंट बंध है, मूल बंध, उद्यान बंध एंड जालंधर बंध. सिद्धासन के वजह से ये 3 बंध एक साथ लग जाते हैं. अब इसमें थोड़ा और इंपॉर्टेंस बताई गई है. श्लोका नंबर 43, नासनम सिद्ध सिद्रशम ना कुंभ केवलोपम न केचरी समा मुद्रा न नाद सिद्रशोलय. तो ये श्लोक ये कहता है, देर इज नो आसन लाइक सिद्धासन, नो कुंभका. कुंभका का मतलब होता है प्राणायाम. यहाँ पे हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं. तो हठयोग प्रदीपिका में जो 2nd चैप्टर है, दैट इज षटकर्मा एंड प्राणायाम, बट हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम को प्राणायाम ना कह के कुंभका कहा जाता है. तो नो कुंभका लाइक केवल कुंभका, नो मुद्रा लाइक केचरी मुद्रा एंड नो लया लाइक नाद. तो अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रदीपिका, सिद्धासन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट आसना, केवल कुंभका इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्राणायाम और बेस्ट कुंभका, केचरी मुद्रा इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मुद्रा एंड नाद इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट लया. तो ये कंसेप्ट है श्लोक नंबर 43 का. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ. अगला आसन 13th आसना है हमारा पद्मासन. पद्म का मतलब होता है लोटस, तो पद्मासन है हमारा लोटस पोज. चलिए देखते हैं कि इस आसन को करना कैसे है. प्लेसिंग द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई. अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पे रखना है और लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखना है क्रॉस पोजीशन में. तो ये हो गया हमारे पैर से पद्मासन हमने लगा लिया. होल्डिंग बोथ द टोज बाय क्रॉसिंग हैंड्स बिहाइंड द बैक. ओके, तो यहां पे ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ये दी गई है भद्र पद्मासन की. अगर आपने पैर से पद्मासन लगा लिया है और कोई भी मुद्रा आपने हाथ में लगाई है, जैसे कि चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, और इसको हम कहते हैं पद्मासन. भद्र पद्मासन का मतलब क्या होता है कि आपने पद्मासन लगाया, हाथ आप पीछे की तरफ लेके गए और आपने टोस को पकड़ा आगे से. तो प्लेसिंग द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई एंड लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई. उसके बाद होल्डिंग बोथ द टोस बाय क्रॉसिंग हैंड बिहाइंड द बैक. चिन इज प्रेस अगेंस्ट द चेस्ट एंड लुकिंग एट द टिप ऑफ द नोज. दिस इज कॉल्ड एज द पद्मासन, जो अभी बुक में दे रखा है. तो पद्मासन लगाया, दोनों हाथ पीछे लेके गए, टोस को पकड़ा, चिन को टच किया चेस्ट पे और आंख देखना है अपने नासिका पे, जिसको हम कहते हैं नासिकाग्रह दृष्टि. तो ये है आपका पद्मासन. इसमें आप हाथ को चिन मुद्रा में रख सकते हो, दैट बिकम द सिंपल पद्मासन. हाथ अगर पीछे हैं, टोस पकड़ रहे हो, दैट इज द भद्र पद्मासन.
पद्मासन इज कंसिडर्ड टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीज। तो पद्मासन कहा जाता है कि सारे डिजीज को खत्म कर देता है। चलिए बढ़ते हैं पद्मासन के बेनिफिट्स की तरफ। ओके, पद्मासन के बेनिफिट क्या है? इट बैलेंसेस द प्राणा, प्राणा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ब्रिंग चेंजेस इन मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर एंड ब्रेन पैटर्न्स, मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है और ब्रेन पैटर्न्स को चेंज करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। इट प्रेसेस एंड स्टिमुलेट्स एक्यूपंक्चर मेरिडियंस ऑफ स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी एंड लिवर। तो स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी एंड लिवर के जो पॉइंट्स है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है, उनको प्रेस करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। योगा में, आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि पेट से ही सारी बीमारियां होती है, कि अगर जिसका पेट खराब होता है, जिसका पेट अपसेट है, उसको बीमारियां हमेशा रहेंगी। अब जो पद्मासन है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रहा है, उनके फंक्शनिंग को बढ़ा रहा है। तो इससे क्या है, आपका जो पेट है वो सही रहेगा। अगर आपका पेट हेल्दी रहेगा तो आपका स्वास्थ्य बरकरार रहेगा। तो इसी वजह से पद्मासन को कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल डिजीज, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी के सारे ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। टोन्स सेक्रल एंड कॉक्सीजियल नर्व्स, तो सेक्रल और कॉक्सीजियल नर्व्स को टोन करता है। अब ये कौन सी नर्व्स होती हैं? हमारी जो बैकबोन होती है उसके अंदर पांच सेक्शंस होते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल, जो हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं उनको हम कहते हैं सर्वाइकल। हमारे जो चेस्ट की तरफ बैकबोन में, जो चेस्ट के पास थोरैसिक जो कैविटी है, चेस्ट की जो कैविटी है, वहां पे जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, वहां पे जो बैकबोन की हड्डियां होती हैं, उनको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। फिर हम उससे नीचे आते हैं लोअर बैक की तरफ, उसे हम कहते हैं लंबार। फिर आता है सेक्रल एंड कॉक्सीजियल रीजन। तो ये पांच सेक्शन होते हैं हमारे बैकबोन में। तो सेक्रल और कॉक्सीजियल जो नर्व है, लास्ट के जो दो सेक्शन है, उनकी नर्व्स को ये टोन करता है। और नर्वस डिसऑर्डर में भी काफी हेल्पफुल है पद्मासन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है कि अगर किसी पर्सन को सैक्रल या साइटिक इंफेक्शन है उसको पद्मासन नहीं करना चाहिए। तो सैक्रल हम जान ही चुके हैं कि बैकबोन का एक सेक्शन है सैक्रल। अब साइटिका क्या है? साइटिका इज वन ऑफ द नर्व जो लोअर बैक के रीजन से बाहर आती है, तो उसे हम कहते हैं साइटिक नर्व। तो अगर किसी को सैक्रल साइटिक इंफेक्शन है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने दो मेडिटेटिव आसना कंप्लीट किए हठ योग प्रदीपिका के, दैट इज सिद्धासन एंड पद्मासन। दो रह गए हैं जो है सिंहासन एंड भद्रासन, उसको हम आगे आने वाली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपके मन में टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई और जनरल क्वेरी हो योगा से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।